भारत का देसी कोरोना टीका कोवैक्सीन जल्द ही ग्लोबल बनने जा रहा है। खबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इसी महीने कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल WHO का अप्रूवल न मिलने की वजह से जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी उन्हें विदेशी यात्रा में दिक्कत आ रही थी, लेकिन इस मंजूरी के साथ ही ये दिक्कत दूर हो जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने उम्मीद जताई है कि इस महीने कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल सकती है। उन्होंने कोवैक्सीन के डेटा को बेहतर बताते हुए कहा कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसे हरी झंडी दी जा सकती है। इससे पहले जुलाई में कहा गया था कि अगस्त की शुरुआत में ऐसा हो सकता है, फिर अगस्त के अंत तक इसे मंजूरी मिलने की बात कही जाने लगी और अब एक और इंतजार सामने है। अभी तक WHO से अप्रूवल नहीं मिलने के कारण कोवैक्सीन लेने वाले लोग विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। मंजूरी मिलने के बाद ये समस्या भी दूर हो जाएगी और लोग आसानी से इसे किसी भी देश में इस्तेमाल कर सकेंगे और कंपनी वैक्सीन को आसानी से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर पाएगी। दूसरे देशों में कोवैक्सीन की सप्लाई के लिए जरूरी है उसे WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का अप्रूवल मिला हो। बता दें कि भारत बायोटेक ने अप्रूवल के लिए WHO जेनेवा में एप्लीकेशन दी थी, जिस पर अब तक मुहर नहीं लगी है। हालांकि कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। WHO की ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी कई बातों का मूल्यांकन करने के बाद मंजूरी देती है। इसमें कोरोना वैक्सीन की क्वालिटी, सेफ्टी और उपयोगिता शामिल है। अब तक WHO ने 6 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसमें फाइजर बायोएनटेक, एसके बायो और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्राजेनेका EU, जेनसन, मॉडर्ना और सिनोफार्म की वैक्सीन शामिल है। बता दें कि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने मिलकर बनाया है। इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हैदराबाद की भारत बायोटेक करती है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद कंपनी ने दावा किया था कि वैक्सीन की क्लिनिकल एफिशिएंसी 78% है, यानी कि ये कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% इफेक्टिव है। अच्छी बात यह है कि जिन्हें ट्रायल्स में ये वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं दिखे, यानी गंभीर लक्षणों को रोकने के मामले में इसकी इफेक्टिवनेस 100% है। वहीं ICMR का दावा है कि ये वैक्सीन सभी तरह के वेरिएंट्स पर कारगर है, यानी कि न केवल UK, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट्स बल्कि भारत के 10 से अधिक राज्यों में सामने आए डबल म्यूटेंट वेरिएंट पर भी ये बेहद असरदार साबित होगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।